वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीडी सिंह ब्लॉग्स के एक और ब्लॉग में। आज मैं आपको मिलवाता हूँ अपने नए दोस्त कालू बालू से। ये आजकल जहाँ मैं रह रहा हूँ वहीं ये मेरे पास रह रहा है, लेकिन कई दिनों से मेरे आसपास घूम रहा था और आज मेरे पास आया और बोला कि भैया बहुत दिन हो गए, जान पहचान हुए, अब तो कुछ दे दो खाने को। तो आज कालू बालू मेरे पास आया है और अब मैं इसके लिए कुछ देखता हूँ क्या है मेरे पास। मेरे पास कुछ आटे के बिस्किट थे जो मैंने इसे दिए, थोड़े टाइट हैं तो इसको चबाने में थोड़ी दिक्कत भी हो रही है, लेकिन कालू बालू अपने लगा हुआ है खाने में। ये कश्मीरी ब्रीड के पहाड़ी डॉग हैं जो कि कश्मीर वैली में ही पाए जाते हैं, और अगर आप कोशिश करेंगे कि इन्हें कहीं बाहर ले जाएँ तो ये इनके बाल झड़ने लग जाएंगे। और अक्सर ऐसा देखा गया, काफ़ी लोगों ने कोशिश की। देखिए मैंने कालू बालू को दो बिस्किट और डाले हैं, ये मुझसे आके कह रहा था कि भाई आप क्यों नहीं दे रहे हो। तो इसको पता है कि मेरे पास चार वो बिस्किट हैं, तो चारों बिस्किट जब तक पूरे नहीं खाएगा तब तक ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। तो ये एक नया दोस्त अभी मेरा आज बना है कालू बालू, जो कि बड़े ही, और ये आग से थोड़ा सा डर रहा है। आपने अगर मोगली मूवी देखी होगी तो रक्त फूल से जानवर डरते हैं, तो इसीलिए ये भी थोड़ा सा वो घबराया हुआ, लेकिन अपने मज़े से जो बिस्किट दे रहे हैं वो ज़रूर ये खा रहा है और खा के, और ये अब थोड़ा आगे चलने के लिए तैयार है। पूछ हिला के ये बता रहा है कि मैं बहुत ही खुश हूँ। तो ये बात थी कालू बालू की, और इसने जाते हुए मेरी तरफ देखा भी और बोला कि मैं कल दोबारा आऊँगा। कालू बालू के साथ ही एक और भी नए फ्रेंड जो मैंने आपको पिछले वीडियो में मेरे दिखाया था ज़ीरो बजट बालकनी में, वहाँ भी अब नए दोस्त आने लगे। और ये कालू वापस जाने से पहले ये नमस्कार कर रहा, और ये देखिए मेरी ज़ीरो बजट बालकनी में ये कम्मो आ चुकी है। इस मैना का नाम मैंने रखा, ये मैना प्रजाति के पक्षी हैं जो कि बहुत ही फ्रेंडली होते हैं और खाना आपके पास देख के तुरंत आ जाते हैं। अभी इनको धीरे धीरे वो जो कि इनके वो थे ट्रस्ट इश्यूज थे वो हट गए, और दो मैना अब यहाँ पे रोज़ाना आने लगी हैं, और दाल और चावल वाला जो चक्कर था वो भी अब हमने इनका हटा दिया। अब ये मज़े से केवल चावल खा रही है, कभी कभी मैं इन्हें केक भी डाल देता हूँ तो ये केक भी खाती है। अभी अंदर देख रही है कि अंदर से इन्हें कौन देख रहा है, लेकिन इनको पता है कि कोई लॉस नहीं है। और जो ये देखिए वुड मैंने अपनी जीरो बजट बालकनी के अंदर डाली थी, उस वुड पे ये मज़े से घूम रही हैं और अपना आनंद ले रही हैं। तो आप भी अगर ऐसी नेचुरल और ऑर्गेनिक वीडियोस देखना चाहते हैं बार बार, तो हमारे चैनल वी डी सिंह व्लॉग्स को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही नेचुरल और रियल वीडियोज़ देख सकें।